तो सब मुश्किल हो गया है। कान में उतर कर चिल्लाए भी ना तो भी अप्पा का चेहरा निर्विकार, साउंड सिस्टम ही खराब है, वो ट्रांजिस्टर। म्यूट म्यूकार्ड मर गया कब का, जमाना बीत गया। लता दीदी के सुर कानों तक पहुंचते ही नहीं है। अप्पा के कान आजन्म भूखे निष्ठुर बहरे हुए हैं। क्या माई, सुना है अप्पा रिटायर हो गए, दिखाई नहीं दिए मुझे कई दिनों से, ठीक है ना? सुनते ही नहीं है आजकल, जी बैठ जाता है मेरा। छे छे, अप्पा को क्यों कुछ होगा, अच्छे ठीक ठाक तो है, बीपी नहीं शुगर नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है उनका? जिंदगी भर प्रेस चलाया, धाड़ धाड़ आवाज में पूरी जिंदगी निकाल दी, वहां भी ट्रांजिस्टर चालू ही रहता था, इतने कोलाहल में भी गाने के सुर बराबर, चिमटी में पकड़ने की आदत है उन्हें। अप्पा को सब कानसेन बुलाते थे, उनका एक भी सवाई गंधर्व कभी मिस नहीं हुआ, और बिना का गीतमाला कितनी सुनते थे, सुर मत कहो, ताल मत कहो, लय मत कहो, सब कैसे जुबान पर, अप्पा सब जानते हैं। हाँ ना, लता दीदी मतलब अप्पा का परम भगवान, आहाहा, दैवी सुर। अप्पा का जीवन इन्हीं सुरों पर ही चलता है, कुतर ओढ़, अपने ही लोगों ने दिया हुआ दगा। फिर से शुरू से शुरुआत, एकला चलो रे। दो चीजों की वजह से अप्पा का जीवन आगे बढ़ता रहा, एक माई तुम और दूसरे लता दीदी के स्वर्गीय स्वर, जीने की उम्मीद देने वाले, हमेशा साथ रहने वाले। अप्पा हमेशा कहते थे, ऐसी लता फिर से होना असंभव, अप्पा गाना जीते थे अक्षरशः। अब तो सब मुश्किल हो गया है, कान में उतर कर चिल्लाए भी ना तो भी अप्पा का चेहरा निर्विकार, साउंड सिस्टम ही खराब है, वो ट्रांजिस्टर। म्यूट म्यूकार्ड मर गया कब का, जमाना बीत गया। लता दीदी के सुर कानों तक पहुंचते ही नहीं है। अप्पा के कान आजन्म भूखे निष्ठुर बहरे हुए हैं। माई, आप अप्पा को जगह से हिलने ही नहीं देती, रास्ते पर चलते हैं ना तो गाड़ियों का हॉर्न सुनाई नहीं देता उन्हें, फिर भी कभी कभार माई से नजर चुरा के बाहर जाते ही है, लेकिन वो सुखरूप घर आने तक माई का दिल बेचैन रहता है, चिड़चिड़ करती है, वो होगी ही, हो जाती है चिड़चिड़, अप्पा जीना ही भूल गए हैं। माई, आपको बहुत मुश्किल जा रहा है ना ये सब? एक ही लड़का था, आज वो होता तो, जाने दो वो याद, कल एफडी तोड़ी, पड़ोसी का विनू, मैं और अप्पा गए, 10,000 लगे। क्या कहती हो? आगे आइए जरा, थोड़ा आगे। श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। अब
मैं जो बोलता हूँ सुनाई देगा तो उंगली ऊपर उठा, समझे? पिछली बार भी हमने ये टेस्ट किया था और आपके उस टेस्ट के मुताबिक हम ये श्रवण यंत्र तैयार करके लाए हैं। ये आपके कान में लगाइए। लगा लिया क्या? हाँ, डिब्बी रख दीजिए आपके पास में। पक्का सुनाई देगा ना? हाँ आएगा, पक्का आएगा। अब सुनाई दे रहा है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा शोरगुल सुनाई देता होगा, नहीं क्या? बहुत शोरगुल सुनाई दे रहा है। ये शोरगुल धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। आ रहा है ना? हल्का हल्का आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा। आदत होनी चाहिए उसकी, बराबर है ना? हाँ, लेकिन आपको सुनाई दिया ना तो आपको मुझे पार्टी देनी होगी क्या? अरे पार्टी का क्या लेके बैठे हो, दे दूंगा पार्टी। आपने कह दिया काफी है, लेकिन लता दीदी का एक अच्छा सा किस्सा आपको मुझे सुनाना होगा क्या? लता दीदी के किस्से बताने में बची हुई जिंदगी भी अधूरी पड़ेगी, हजारों किस्से है। फिलहाल इतना ही कहूंगा, ऐसी दीदी अब नहीं होगी। एकदम बराबर, ऐसी दीदी अब नहीं होगी। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद लिए आज का पेपर देखते हैं। अरे दीदी चली गई। जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर संगीत है, तब तक उनके स्वर है। आहा, वो दैवी स्वर मतलब फुलांचे उमलणे, फुलपाखरांचे तरंगणे, मातेचे ममत्व, जीवनाचे सर्वस्व, जगण्याची शक्ती आणि शारदेची वृत्ती। ऐसी दीदी फिर से नहीं होगी। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। ला 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 la 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 ra 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 ra